subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर जैसे हार्टरोन के एम्प्लॉइज थे उनको हमने कोर्ट कर दिया था एचपीआरए ने, तो अब उन्होंने कोर्ट केस किया, उसमें स्टे मिला शायद कोर्ट से, तो अभी कैसे वही स्टेटस रहेगा या एचपीआरए ने? नहीं नहीं, कोर्ट ने अगर स्टे दे दिया है तो पहले तो आप ये चेक करो कि स्टे क्या चीज दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टेटस, आई मीन किस चीज पे स्टेटस को दिया है उन्होंने, ठीक है? अब वो तो डिपार्टमेंट को अगेन सी कोर्ट के डायरेक्शंस को तो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर किसी को जैसे कभी हटा देते हो लेबर कोर्ट से, लेबर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो रखना पड़ता है, तो उस तरह से ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है दैट द डिपार्टमेंट हैज टू टेक एंड फाइट इट आउट इन द कोर्ट। कोर्ट की कंटेम्प्ट करने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा ना कि आप कोर्ट की कंटेम्प्ट करके नहीं, फिर भी हमारे नेक्स्ट। नमस्कार सर, मैं पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से एडीओ बोल रही हूँ। सर यहाँ पे मैटरनिटी लीव का कोई प्रोविजन नहीं है पोर्टल पे ना? ये सर एक्चुअली हमारे एक दो कैंडिडेट्स प्रोसीड कर गए हैं बिफोर ज्वाइनिंग इन पोर्टल, तो उनका कैसे रहेगा सर, ये हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। ये एक्चुअली देखिए ऐसा है ना कि मैटरनिटी लीव भी इज आल्सो अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। जी सर। तो वो अभी क्या होता है कि हम लोग वेट कर रहे हैं पॉलिसी का, वी आर होपफुल कि विद इन अ वीक और सो ये पॉलिसी में सारा कुछ गया हुआ है। जी सर, जी सर। तो एक बार आ जाएगा तो मैं एग्जैक्टली आपको बता पाऊंगा, हालांकि सी इट इज अ मैंडेटरी एक्ट, तो एक्ट का प्रोविजंस को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। सर एक्चुअली हमने ज्वाइन करवाना था ना, वो लीव पे गई हुई है, तो हमने अपॉइंटमेंट लेटर भी देना है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे करें ना, तो ऑलरेडी प्रोसीड कर चुकी है पोर्टल से पहले सर। हाँ मैं समझ गया, पोर्टल से पहले वो प्रोसीड कर चुकी है। जी सर। तो आपने उसका हमारे उस पे पोर्ट कर दिया था? सर पोर्ट कर दिया, बट अभी हमने ज्वाइनिंग के अपॉइंटमेंट लेटर के लिए नहीं भेजा अभी ना। नहीं आप भेज दो, सी क्वेश्चन इज कि यू कैन नॉट रिमूव अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट। सर नहीं, हमने उसको देना तो है सर, बट फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। आपकी सर कंडीशन है कि विद इन 15 या 7 डेज ज्वाइन करना है, तो फिर उसमें उस केस में सर हमें क्या करना पड़ेगा? आज भी उसका स्टेटस आज क्या है मुझे बताएं। सर आज वो लीव पे ही है सर, वो 1-3 से लीव पे चली गई है। तो वो लीव पे है ना, तो वो लीव पे हमारे यहाँ प्रोविजन बना देंगे, आप उसको पोर्ट तो कर ही दीजिए। सी क्वेश्चन इज की That benefit which is mandated by the act, सर मैं HSBT पंचकुला से बोल रही हूँ। HSBT सर हमारे 13 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन सर उनमें से कुछ MSc हैं, कुछ BSc हैं, कुछ MC हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं सर जी, क्या उसको हम 1 ईयर डिप्लोमा में रिलैक्सेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं देखिए अभी ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली में जो GAD का नोटिफिकेशन हुआ है ना 19 जनवरी, GAD ने किया है, तो अपने विभाग की तरफ से आप उनको भेज दीजिए, इस पे रिलैक्सेशन देने की पावर मेरी नहीं है। हालांकि हम लोगों ने ये डिस्कशन आप सभी के लिए बता दूं मैं सूचना के लिए कि ये एक इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल विषय था जिसपे चर्चा हुई है हाई लेवल पे भी, तो या तो थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कि जिसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब आए तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलने की मतलब 100% संभावना है कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। सर पर हमने इनको पोर्टल पे ज्वाइन करवा दिया इन बच्चों को ना, हमें आइडिया नहीं था कि जो MSc हो तो कर ही सकते हैं उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर। नहीं अगर आपने ज्वाइन कराया भी है तो उनसे आप SETC टेस्ट तो मैंने मनदीप जी से बोल के, मनदीप से स्पेशली जो हार्टरोन के MP हैं उनको बोल के मैं लगातार टेस्ट करा रहा हूँ, जैसे अभी उनका टेस्ट अभी एक टेस्ट 20 तारीख को हुआ था और दोबारा अभी फिर हुआ है 2-3 दिन मई में सर, तो अगर वो अब मई में नहीं वो रेगुलर करेंगे हर 15-20 दिन पे, उनको हमने कहा है कि ये सिचुएशन है तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानते हुए, तो आज ये जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ये अगर इतने क्वालिफाइड हैं तो ये वो पास क्यों नहीं कर रहे सर? जो हमारे जो निगम की नोटिफिकेशन है 19/22 की,
वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए कहती है 10+2 एंड 1 ईयर डिप्लोमा और SATC। वो बच्चे कहते हैं जब मैं MSc पास हो तो मेरा 1 ईयर डिप्लोमा तो ऑटोमेटिकली आ गया उसके अंदर, मुझे ज्वाइन करवाओ। SATC पास तो करना ही पड़ेगा सर, और की कंडीशन है 1 ईयर डिप्लोमा और SATC डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए। तो और है ना, वो और में तो आप एक कोई भी ले लो, मतलब या तो डिप्लोमा हो या SATC ऐसा है। सर, वो बच्चे ने डिप्लोमा नहीं किया हुआ लेकिन वो MCA कंप्यूटर साइंस है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट की जो क्वालिफिकेशन बनी हुई है उसको ऐसे, मतलब मैं वर्बली बात करके कोई रिलैक्सेशन नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि इस पे ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है सर, हम ज्वाइन ही करवा चुके हैं, फिर उनको विड्रॉ करेंगे कम से। आप उनको SATC टेस्ट देने के लिए कहिए ना, तो जब वो MCA और सब कुछ है तो SATC तो पास कर ही लेगा। सर वो हमने बोल दिया लेकिन हम ज्वाइन ही करवा चुके हैं तेरा भी, क्लर्क हमने रोके हुए सर 31 ना। सर हमारे थर्टी वन क्लर्क्स हैं उनको हमने ज्वाइन नहीं करवाया SATC की वजह से, लेकिन 13 DEOs हैं उनको हमने करवा दिया सर, कोई BTech है, कोई MSc IT है, कोई MCA है। अब सर वो हम कैंसिल करवाएं फिर ग्रीवेंस पे डाल के 13 की ज्वाइन नहीं करवा चुके। नहीं, आप ग्रीवेंस पे यही मुद्दा डालो कि ये हमारे बंदे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इनका इनका जो है हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। ये कर दो आप, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि रिलैक्सेशन की जरूरत है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी, कॉन्फेड से बोल रहे हैं सर। जी बताइए सर, ये हमारे ना यहाँ पे सेल्समैन की पोस्ट क्रिएट नहीं हुई है पोर्टल पे ना जी। आपने सेल्समैन रिसर्च पोर्टल पे क्रिएट कर दिया आपने? हाँ जी, नहीं उसमें आपने ये डीसी कर दिया क्रिएट। हाँ जी, हाँ जी, ग्रीवेंसेस में भी लिख दिया, वैसे भी लिख दिया आपने। आपने पोस्ट क्रिएशन के लिए डाल दिया है मॉड्यूल। हाँ जी, हाँ जी, डाल दिया सर। तो वो जो मैंने जैसे बताया कि लगभग 600 पोस्ट हो चुकी हैं, वो सेक्रेटरी HR के पास हैं, वो लोग धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। तो हाँ बताइए, इनकी सर पे कैसे होगी जिनको ज्वाइन कराया अपना, इनकी स्पिरिट की पे है जैसे जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं? जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, हाँ जी, तो अभी कैसे पे मिल रही थी? अब तो सर सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिल रही थी पहले। सर्विस प्रोवाइडर की, तो आपने हमारे यहाँ पोर्ट कर नहीं पाए हो आप उनको? हाँ जी, हाँ जी, तो इसका मतलब तो डिफैक्टो वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही है अभी। हाँ जी, टर्मिनेट कर दिया सर, वो टर्मिनेट कर दिया सर। आपने वो टर्मिनेट कर दिया है। हाँ जी, तो ठीक है, आपने इनको हम जो है जिस तारीख से आपने 1 अप्रैल से किया है। हाँ जी, हाँ जी, तो इनको हम 1 अप्रैल से ऑनबोर्डिंग दे देंगे जो इस तरह के केसेस है जिनका जॉब रोल क्रिएशन की वजह से रुका हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर। एक इसमें गलती से पोर्टल पे 12/4 को हो गई है एक एम्प्लॉय की जी, उसकी 1/4 से होनी थी, उसके लिए भी ग्रीवेंसेस डालो। अब नहीं हो पाएगा वो, तो नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टैंडर्ड्स का पूछ लिया है, बता दिया। थैंक यू सर। सर्विस सर, यस नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, बताइए सर। एनुअल एसेंबली से जी। हाँ सर, हमारा एक पार्ट है हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, उसका MD अलग है, हमारे DG अलग है। ओके। और वैसे सर हमारे कमिश्नर साहब एक ही हैं, तो उनका कुछ स्टाफ था जो हमारे नीचे फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था। अच्छा। और गलती से हमारे DDOs ने, हमारे DDOs होते हैं सब डिविजनल ऑफिसर, और उनके DDOs होते हैं सीमेन बैंक ऑफिसर। ठीक है। वो सैलरी वहां से ड्रा कर रहे थे, लेकिन हमारे DDOs ने SDOs ने उनका डाटा HKRNL के पोर्टल पर कर दिया सर। तो अब हम उनको वापस उनके शिफ्ट करना चाहते हैं लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में, तो वो कैसे करें सर? आप उसका एक्सेल फॉर्मेट बना के एक तो ईमेल कर दीजिए और ग्रीवेंसेस पे डालिए, फिर वी विल सी कैसे हो सकता है। और अपना कोई समझदार बंदा जिसको आता है कुछ कंप्यूटर वगैरह जी, उसको भी लाइन अप करके एक बार मीटिंग में भेजिए, टेक्निकल टीम के साथ वो बैठेगा, फिर ये मैटर रिजॉल्व हो पाएगा। जी सर, जी, मीटिंग का जो आपके कमिश्नर हैं पंकज जी, उनको मैंने नंबर भी दिया हुआ है और आपके DG को भी नंबर दिया हुआ है जो टेक्निकल टीम है उनको। जी जी जी, नंबर से उस नंबर पे टाइप कर लीजिए। गौरव दीप शायद हमारे साथ लाइन पे भी हैं, तो ये इशू उसी तरह रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, जरूर सर। सर एक छोटा एक और इशू है कि जो ये हार्टोन एम्प्लॉय हम पोर्ट कर रहे हैं आपके पास, ये सर हम आप कर रहे हैं मई 1st वीक आ गया या अप्रैल लास्ट में हमने कुछ करा, तो सर इनकी अप्रैल की सैलरी का कैसे होगा?
नहीं, अप्रैल में जिन्होंने 1 अप्रैल से किया हुआ है उनकी सैलरी का हम लोग करेंगे प्रोसेस में। पहले महीने में हो सकता कुछ डिले हो जाएगा क्योंकि वो सिस्टम बन रहा है, प्लस अभी अप्रूवल भी कई सारी पेंडिंग है जी सर। तो बट वी विल पे, आप मतलब वो पैसा तो आप ही नहीं देना है, बेसिकली इट विल बी थ्रू यू ओनली जी। सर नमस्कार सर, सर नमस्कार, मेरा ब्लिंक कर, कीप्स ऑन लीविंग द थिंग। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, इलेक्शन डिपार्टमेंट से सर। हाँ बताइए सर, हमारे सर डीडीओ झज्जर के सर, क्या हुआ सर? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस झज्जर से सर 4 एम्प्लॉई हैं। हाँ सर, वो सिरसा डीओ के पास जा रहे हैं सर, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सर। सिरसा डीओ के पास रिफ्लेक्ट हो रहा है? यस सर। वो कोई नहीं, आप ये मैं जैसे पहले बताया ना, आप एक्सेल में करके ये भेजिए और वी विल सी क्या इसमें इशू कहाँ से उनके यहाँ चले गए, तो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। वैसे सर, वैसे टिकट रेज की हुई हमने 2 मई को की थी सर। 2 मई तो कल ही, परसों ही था। हाँ सर, परसों ही थी सर, वो हो जाता सर। एक सर हमारा एक यहाँ हेड ऑफिस में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है सर, ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा सर। ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कोई सर? उसमें जो डाउनलोड का जो होता सर फॉर्मेट, उसमें कोई, सॉरी फिर से बताइए क्या आ रहा है एरर सर? इसके जो परिवार पहचान पत्र आईडी डालने के बाद इसका डाटा शो नहीं होता, जैसे नेम ड्रॉपडाउन में शो होता है ना, तो उसमें एम्प्टी आता है, मतलब उसका नाम वहां पे ड्रॉपडाउन में उसका नाम नहीं शो होता। तो यह पीपीपी में अपना डाटा चेक करवाओ, हो सकता है वहां पे पूरा प्रॉपर अपडेशन नहीं हो रखा है। एक ब्लॉक। ओके ओके ठीक है सर। मैं हरियाणा डेयरी से हूँ सर, डीडीओ। हाँ बताइए सर, मेरी क्वेरी है हार्ट्रॉन एम्प्लॉइज के लिए। आपने उनका डाटा तो कह दिया है, आप वहाँ कर दीजिए, और आपने जो परसों शेयर करिए सर इंस्ट्रक्शन। हेलो हेलो, एक बार दोबारा बोलिए, वी लॉस्ट यू एक्चुअली। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने परसों इंस्ट्रक्शंस शेयर करी हैं, 2-5 वाली इंस्ट्रक्शन जो शेयर करी हैं सर, आज के आने से शेयर करी काले रंग का छोटा सा प्लग जहाँ चार्जर था वहीं लगता है। हेलो हेलो, आपकी आवाज कट गई थी, बताइए दोबारा। सर मैं, मेरी क्वेरी हार्ट्रॉन एम्प्लॉइज के लिए है सर। ठीक है बताइए क्या है। सर आपने जो इंस्ट्रक्शंस 2-5 की शेयर करी हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें पॉइंट नंबर 10 में आपने ये लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट विल अलाउ टू कंप्लीट द ओरिजिनल टर्म ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड विल पोर्ट द डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज 15 डेज प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर इस केस में जो आईटी प्रोफेशनल हमने रखे हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक प्रोग्रामर रखा हुआ है, तो इनका, इनको तभी पोर्ट करें जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है सर। कब तक का है सर? किसी का जून तक है, किसी का जुलाई तक है, किसी का सितंबर तक है, इस तरह से है सर। देखिए मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, हालांकि कुछ डिपार्टमेंट में कंफ्यूजन भी हो गया इस पॉइंट नंबर 10 की वजह से। इसका बैकग्राउंड ये था कि पिछली मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, जब सीएस की मीटिंग थी, तो इट वाज डिस्कस्ड कि कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जैसे अप्रैल में या मई में या जून, जैसे आप बता रहे हो, 1-2 महीना बचा था, तो तब ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, जिनका 1-2 महीना या 3 महीना बचा हुआ है उनको एज सच चलने दीजिए, और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते जाए तो हमारे पोर्टल पर आते जाए। ठीक है, तो ये उसी ध्येय से बनाया गया है। शायद हम लोग इसका एक क्लैरिफिकेशन भी इशू कर देंगे कि विद इन जो 3 महीने का, इसका बैकग्राउंड ये
जो 3 महीने के अंदर खत्म होने वाले हैं वो अपना डाटा अकॉर्डिंगली पोर्ट कर। तो सर जिनका अभी एग्रीमेंट लंबा चल रहा तो उनको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें सर, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है रिटर्न स्टैम्प पेपर पे। हाँ देखिए आइडिया तो यही था कि जिनका लंबा है कोई अगले साल तक जा रहा है जिसका, उनके लिए तो यही था कि जिसका अगले साल इस तरह के विचार, ये डिस्कशन मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि जिनका 1-2 महीना बचा था ये हो रहा था कि सर अब 1 महीने के लिए क्या उनका टर्मिनेशन करें ये, तो हमने तो ये डिसीजन हुआ उस मीटिंग में कि भाई जिनका 1-2 महीना इस टाइप का बचा है, हालांकि वो वर्डिंग ऐसी चली गई है पॉइंट नंबर 10 में जिससे लग रहा है कि ये मतलब अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो गया सर, अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं है। इसकी क्लैरिफिकेशन हम लोग वी आर टेकिंग अप्रूवल, वी विल सेंड इट। ठीक है सर। सर एक और हार्ट्रोन के एम्प्लॉइज का अभी जो इनकी एक्चुअली क्या है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही इंक्रीमेंट लगती है सर, तो किसी का अगर जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उसको जून के बाद इंक्रीमेंट मिलनी है सर, तो उन केसेस में क्या करना है सर, हमें उसकी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है सर। और एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए सर, इनको LTC और मेडिकल अलाउड है सर एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ हार्ट्रोन। अब इन इन लोगों ने हमें क्वेरी करी है कि अब हमारा क्या होगा, तो इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं इशू हुई सर। इसके लिए भी चल रहा है, पॉलिसी में आएगा वो भी, तो आई थिंक अनदर 10 डेज पॉलिसी शायद आ जाएगी, तो उसमें हार्ट्रोन वालों का भी इशू है सॉल्व हो जाएगा। टिल दैट टाइम वी शुड नॉट पोर्ट दीस कैंडिडेट्स, आवर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हमारे पास 10 हैं सर। जिनका खत्म होते जा रहा है उनको तो आपको पोर्ट करना ही पड़ेगा। हां उनको तो कर रहे हैं सर, उनको कर रहे हैं, पर उनको इंक्रीमेंट के साथ करें सर, मैंने ये क्वेरी थी सर। नहीं अगर आप आज कर रहे हो तो आज इंक्रीमेंट कैसे दे दोगे उनको सर? नहीं उनका 1 साल खत्म हो रहा है ना सर, जब ड्यू होगा जब की बात है ना। हाँ जी हाँ जी, वही आपने कहा ना कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उनको करते ये है कि जिसका ड्यू जब होगा तब वो इशू रेज होगा, अभी से कि मेडिकल अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो होगा। सी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आप रेज कर रहे हो, बट द पॉइंट इज कि ये जब किसी का किसी पॉलिसी में था, कोई कवर हुआ था कि अगर उसको इंक्रीमेंट मिलना था जुलाई में, तो अगर वो हम आज पोर्ट कर रहे हैं तो दैट क्वेश्चन विल अराइज ओनली इन जुलाई। नहीं नहीं सर, आपने मेरे को कहा कि जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं आप तब भी उनको इंपोर्ट करना शुरू करो, तो जैसे हाँ। किसी का जून में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है सर, तो उसको मेरे को पोर्ट करना, तो उसको विद इंक्रीमेंट करो पोर्ट सर। नहीं जून में ड्यू हो गया उसका इंक्रीमेंट। हाँ जी जून में ड्यू हो गया सर, 1 साल पूरा हो जाएगा, जून में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट था हमारा जून तक का, तो 1 जुलाई को लगेगा उसका। हाँ जी 1 जुलाई से लगेगा सर। तो आप अगर हमारे पास 1 जुलाई को भेजोगे तो आप इंक्रीमेंट नहीं लगाओगे? मैं वही पूछ रहा हूँ सर आपसे क्लैरिफिकेशन। यू कैन नॉट सी इंक्रीमेंट डिपार्टमेंट नहीं लगाएगा, जब मैं जब निगम कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा तो जब डिसीजन निगम लेगा इस पे कि उसको इंक्रीमेंट लगना है नहीं लगना है, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के डायरेक्शन से ही होगा सर। आई फुली एग्री विद यू। मैं मेरी क्वेरी ये है कि वो एक 30 जून को उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और 1 जुलाई से वो निगम के पोर्टल पे आएगा, तो उसके ऊपर निगम के रूल्स 1 जुलाई से लगेंगे सर। 30 जून तक तो उसके ऊपर जो हार्ट्रोन की इंस्ट्रक्शंस लगेंगी ना सर, तो 30 जून तक हार्ट्रोन की इंस्ट्रक्शंस यही कहती है कि जिसको 1 साल पूरा हो गया उसको इंक्रीमेंट मिलेगी सर। नहीं बट 30 जून के बाद वो आपका एम्प्लॉय नहीं रहा। ठीक है सर, ठीक। हाउ कैन यू इम्पोज ऑन 1st जुलाई अ रूल व्हिच इज गोइंग टू बी यू नो इम्पोज्ड ऑन 1st जुलाई व्हेन ही बिकम्स माय एम्प्लॉय, यू कैन नॉट। ओके सर, फाइन सर, फाइन। एक और रह गया सर पूछना। सर हमारे VLDA हैं, अब हमने नई भर्ती करी है VLDA की। ये पॉइंट तो आज आपको तो पहले मौका मिल चुका था एनिमल हस्बेंड्री वालों का सर, एक वो बीच में सर वो डिस्टरबेंस आगे थी रह गया था। हाँ बताओ। तो सर जो हमारे VLDA हैं हमने नई भर्ती करी, रेगुलर भर्ती, नए VLDA आने के कारण और हमारे कुछ अदर DDOs के पास अभी वैकेंसी है, क्या हम HKRNL के जो हमारे VLDA उनको वहां कर सकते हैं सर दूसरे उसमें ट्रांसफर, दूसरे DDO के अंदर? नहीं क्या मतलब है HKRN के नीचे एक DDA, मतलब VLDA हमारे पास है या आपके पास अपने हैं? रेगुलर वालों को आपके, नहीं रेगुलर वालों को आप जहां मर्जी वहां ट्रांसफर करो। रेगुलर नहीं, नहीं नहीं सर, रेगुलर नहीं, जो HKRNL पे हमारे आपके पोर्टल पे हमारे VLDAs हैं, क्या उनको हम दूसरे DDO के अंदर काम ले सकते हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं या उनका डाटा कर सकते हैं? आप ट्रांसफर आप जहां से पोर्ट करोगे वो वहीं अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वो तो आपका चॉइस है ना, आपने कहां से पोर्ट किया है। DDO सब लॉगिन से आप उनको पोर्ट करोगे, उसको DOL भी वहीं का जाएगा। थैंक यू सर। यस प्लीज नेक्स्ट। एक आशीष गुप्ता फ्रॉम HUBNL। यस आशीष टेल मी। हमारे सर यहाँ पे कुछ रेगुलर एम्प्लॉइज के PPP ID
नॉट फाउंड आ रहे हैं रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा। हमने सर क्रेड में भी बात की थी और उसका एच के एन पोर्टल पे हमें ड्यूअल लेटर अपीयर हो रहा है, बट जब हम उनकी सिलेक्शन करते हैं ड्यूअल लेटर पीपीपी आईडी से तो वहां पे कैंडिडेट का नाम नहीं अपीयर होता। तो वी हैड रेज दिस क्वेरी विद क्रेड, तो उन्होंने हमें ये कहा कि इसका मे बी शायद ट्रिपल पी आईडी डिलीट हो गया, काफी एम्प्लॉयज है हमारे। हाँ जी, तो हमने अभी 12 की तो सर अभी रिसेंटली ग्रीवेंस रेज की है एक एक्सेल शीट बना के, बट सर आप तो उनकी पीपीपी बनाएगा कौन, वो तो क्रेडिट वाले ही बनाएंगे अगर डिलीट हुआ तो। क्रेडिट वाले बनाएंगे सर। अब हमारा क्वेश्चन ये है सर कि जो ड्यूएल लेटर इशू हुआ था उस पे सर पुराना पीपीपी आईडी था। ओके, तो सर अब पुराना ही रहा होगा जो उस समय एग्जिस्टिंग रहा होगा। अब अगर नया बनाएंगे सर तो वो ड्यूएल लेटर पे कैसे आएंगे? दोबारा प्रोसेस कर देंगे हम, आप दोबारा पोर्ट कर देना उस डेटा को, दोबारा नया पीपीपी का आपको उसको बंदे को दे देंगे। तो इसका मतलब हम नया ट्रिपल पी आई डी बनवा लें उसका, नया उसका बिना ट्रिपल पी आई डी बनाए तो उसको एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, आप उसको ज्वाइन ही नहीं करा पाओगे। हाँ नहीं एग्री सर कि उसका नया ट्रिपल पी आई डी हम एम्प्लॉइज को बोलें उसका नया ट्रिपल पी आई डी बन जाए, अकॉर्डिंगली लेटर दोबारा से इशू होगी, दोबारा इशू होगा। तो सर वो डीएल जो एग्जिस्टिंग चल रही थी वो अपने आप सर कैंसिल हो जाएगी? हाँ वो तो रिजेक्ट, मतलब वो तो नया जब हम जारी करेंगे तो पुराना वाला तो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है ना, तो आपको आप रिजेक्ट कर दो उसको। सी द बेस्ट वे इज यू रिजेक्ट फ्रॉम योर एंड। ओके सर, ऑप्शन दे रखा है ना एक्सेप्ट रिजेक्ट का, तो वहाँ रिजेक्ट कर दो आप भी नॉट फाउंड। ओके रिजेक्ट, तो वो दोबारा हम रेज करेंगे फिर उसको। ओके सर, एंड सेकंड माय क्वेश्चन इज सर दिस वन ऑफ माय डीडीओ हैज एंटर्ड रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट डेट, इट इज 1st May टू 30th September instead of 31st March for 2 number employees. वो तो उसको पहले उसको शो कॉज नोटिस निकालो, उसका शो कॉज नोटिस निकालो, मतलब वी आर नॉट हियर टू क्लीन योर डर्टी थिंग्स नंबर वन। ओके सर, 1,20,000 आदमी मेरे पास आने वाले हैं, इफ वी कीप ऑन डूइंग थिंग्स यू इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ वर्क। एंड जस्ट टू टेल यू एचकेआरएन में सिर्फ एक सीईओ है और एक एडिशनल चार्ज में एडिशनल डायरेक्टर है एसडीआईटी का, दैट्स इट, एंड देयर इज अ टेक्निकल टीम ऑफ 4 persons। एंड यू वांट कि आप लोग गलतियां करते जाओ और उसको हम उस कूड़े को साफ करते रहें, प्लीज दिस इज नॉट डन। यू आर एन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, शो सम सीरियसनेस, देन वी विल आल्सो टेक सम रेक्टिफिकेशन फॉर यू। सर वन लास्ट क्वेश्चन इज सर रिगार्डिंग वेरीफाई एक्सपीरियंस। हाँ सर, वी आर गेटिंग द वेरीफाई एक्सपीरियंस, अगर सर वो किसी और डीडीओ से रिलेट करता है, मतलब विद इन द डिपार्टमेंट, करेक्ट, सपोज आई एम अ डीडीओ एट पंचकुला, वेरीफाई एक्सपीरियंस रिलेट्स टू पलवल, सो सर इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय मी और इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पलवल? नो पलवल ही रिक्वायर्ड। सी उसने जहां क्लेम किया है, सपोज एन एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई, उसने कहा कि मैंने पलवल के नीचे काम किया है, यस सर, पलवल वाला ही करेगा। पर सर उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मेरे को दिख रहा है पंचकुला में, मैं उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूं। नहीं आप पलवल वाले को नहीं दिख रहा है सर? नहीं पलवल वाले को नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब उसने जो है एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में पलवल लिखा है? पलवल लिखा हुआ है सर उसके, उसमें जैसे हमारे कई बहुत नहीं, दैट मींस कि उस कैंडिडेट ने गलती किया है, जब उसने पलवल उसने लिखा था तो ही शुड हैव सिलेक्टेड पलवल डीडीओ। यस सर, तो सर उसने बेसिकली बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं कि डिफरेंट डीडीओस के उसमें सर लॉगिन में किसी और डीडीओ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नजर आता है। नहीं वो नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि उस कैंडिडेट ने उसको भेजा है। यस, कैंडिडेट जहां भेजेगा वहीं तो नजर आएगा, उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप किसके नीचे काम किया, वो बताता है कि मैं HVPNL, फिर वो पूछता है किसके और उसके नीचे किसके काम किए, तो वो बताता है कि HVPNL PNL जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट नाम, तो उस डिस्ट्रिक्ट के पास चला जाता है। नाउ इट इज फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और व्हाटएवर डीडीओ, ही हैज टू वेरीफाई, उसने वेरीफाई करना है। ओके, तो अब अगर वो वेरीफाई, ऑब्वियसली यू कांट वेरीफाई, यस सर, हाउ कैन यू वेरीफाई अ पलवल गाय फ्रॉम हियर वेदर ही हैज वर्कड अंडर यू और नॉट, तो यू हैव टू ऑब्वियसली रिजेक्ट इट, आप रिजेक्ट करो उसको। वो रिजेक्ट तो होते सर, कोई ऐसा प्रोविजन में तो हमें उसको फॉरवर्ड कर पाए विद इन द डिपार्टमेंट, हम उसको नहीं, ऐसे तो फिर मुझे ही नहीं पता चले किसको से फॉरवर्ड कर रहे हो, कहीं लेफ्ट राइट इधर उधर फॉरवर्ड करते रहोगे आप लोग? नहीं सर, विद इन द डिपार्टमेंट, नहीं विद इन डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज़ ये तो एम्प्लॉई को पता होना चाहिए ना वो कहां काम किया है। यस सर, वही इश्यू बहुत आ रहे हैं ये वाले,
ये बहुत इशू फेस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट इट गेट रिजेक्टेड। वंस इट इज गेटिंग रिजेक्टेड, द एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई सीरियसली भर नहीं सकता है, सी एक डिपार्टमेंट है जो सीरियसली डाटा नहीं भर सकता है, एक एम्प्लॉई है जो सीरियसली नौकरी पाने के लिए अपना डाटा नहीं सही भर सकता है, तो हु शुड बी पेनलाइज्ड, व्हाई ही शुड नॉट बी पेनलाइज्ड, टेल मी। ओके सर, लेट हिम बी स्टक, दो एक दो महीने रुका रहेगा, फिर उसको फिर अपना करेक्शन के लिए हम ऑप्शन देंगे, दोबारा भरेगा, फिर देखेंगे उसको मिल सकती है कि नहीं जॉब। ओके सर, हेलो, यस, नेक्स्ट वन सर। हाँ बताओ सर, आपका खत्म नहीं सर। वन इज वन मोर थिंग सर, फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, हमारा सर क्वालिफिकेशन, जैसे प्रायर क्वालिफिकेशन हमारी थी 8th, सपोज Now it has been, our RPP has been revised and it is 10th now. So existing employee is 8th is now currently working. So sir, हम उसको 8th अभी चल रहा है, आप लोग इसको, ये इशू आया था, आपके ACS ने भी ये इशू रेस किया था मीटिंग में। हाँ जी। तो ये पॉलिसी में जल्दी ही विदिन आई थिंक 1 week मोस्ट लाइकली ये क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगे सर, जो ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं तो सबको मैं आंसर दे रहा हूँ कि ये सोल्यूशन इसका वर्किंग कार्ड है। सर आपको होल्ड में रख ले इतना इसके। हाँ आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट सर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। मैं आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। गुड मॉर्निंग सर, नेशनल हेल्थ मिशन पंचकूला सर। हाँ बताओ भी, नेशनल हेल्थ मिशन सर, इसमें ना हमारी कुछ एक टेक्निकल कोर्स है जिनकी क्वालिफिकेशन और डेजिग्नेशन अवेलेबल नहीं है। वो आपने क्रिएट करने के लिए भेजा है, मुझे पता है, भेजा हुआ है। तो वो आशिमा जो फरार है, शी इज द सेक्रेटरी HR, वहाँ पे सबमिट हुआ है एंड आई एम टोल्ड दैट वहाँ पे भी प्रोसेस आगे बढ़ चुका है, मोस्ट लाइकली जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। सो मीनवाइल सर, व्हाट शुड बी अबाउट देयर सैलरीज? वो ऐसा देखिए कि पोर्ट करने का, इन केसेस मैंने पहले भी आंसर किया है कि हम पोर्ट तो करने का ऑप्शन आपको दे देंगे फ्रॉम प्रायर डेट, लाइक यू नो 1st April ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो उनकी सैलरी ड्यू होगी, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है तो आई थिंक एक्सपायर्ड है, तो हाँ तो एक्सपायर्ड है, तो उस केस में उनकी सैलरी 1 April ऑनवर्ड्स हम उसको पोर्ट करके ले लेंगे, सैलरी HRN से जाएगी, थोड़ा डिले होगा शुरू में। उनसे बात हुई थी कि जो डेजिग्नेशन क्रिएट नहीं हुए उनके, आप जो आपकी एजेंसीज है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा लो 1-2 महीने के लिए, तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे सर? देखिए अगर आपके यहाँ कोई प्रोविजन ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट आप स्पेसिफिक आदमी के लिए बढ़ा सकते हो तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना है कि भाई हमने ये सबमिट किया हुआ था, अप्रूव नहीं हुआ इसलिए पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो विद जस्टिफिकेशन दे कैन सीक रिलैक्सेशन फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का लेटर है वो पोर्टिंग करने का कि भाई सारे लोग इस पे आएंगे, तो आप अपना जस्टिफिकेशन कि हमने ये पोस्ट मांगी थी और अभी तक ये क्रिएट हुई नहीं है तो ये फ्यूचर में क्रिएट होने में टाइम लग सकता है, तो जब तक ये पोस्ट क्रिएट ना हो जाए वहाँ से HRN पे तब तक हमें एक्सटेंशन दे दिया जाए, हम कंटिन्यू कर सकें, तो आप अपना अप्रूवल ले लो, CS रिलैक्स कर देंगे तो आप एक्सटेंड कर लो अपना 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर, जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है हमें, इसमें 2 ऑप्शन है, एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का, ठीक है सर? जो हमारा रिजेक्ट का ऑप्शन है उसमें जो रीजन दिए हुए हैं और वो कैंडिडेट फुलफिल नहीं करता, वो रीजन नहीं भरने, हमने उससे अलग रीजन भरना है, तो भर लो आप, रोका किसने? जैसे उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, ऐसा कोई रीजन नहीं है हमारा कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट इनकोरेक्ट ये भी रीजन नहीं है, इनसे अलग रीजन है। क्या रीजन है आपका? ये रीजन है सर कि कैंडिडेट कहता है कि ये मैंने यहाँ ज्वाइन नहीं करना क्योंकि इसके जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से डिस्टेंस बहुत दूर है। अच्छा, तो अदर का ऑप्शन आ जाए तो बेटर है सर उसमें, ठीक है, वी कैन थिंक ओवर, वी कैन गेट दैट, ठीक है सर। और सर एक अटेंडेंस का मॉड्यूल है जो, हाँ जी, वो चल नहीं रहा सर अभी फिलहाल, नहीं आज देखा आपने? हाँ जी सर, जस्ट अभी भी खोला हुआ। ओके ठीक है, वी विल चेक दैट।
नमस्कार सर, जिन लोगों को आशीष एंड अदर्स दोस्त जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया है जिन्होंने, वो अपना हैंड्स डाउन कर दें क्योंकि उन्होंने हाथ उठा रखा है अभी। हाँ जी बताइए, कोई बोल रहा था? नमस्कार सर, मैं आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए, रजिस्ट्रार पीडब्ल्यूडी। हाँ जी जी सर, सर हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉइज हैं जो मैटरनिटी लीव में है सर, उनके केस में सर उनको अभी निगम पे पोर्ट करना है या फिर वो जब ज्वाइन वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद पोर्ट करना है सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ओके अच्छा, यू हैड, अब आ रही है सर। हाँ हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो आज की रेट में उनकी क्या स्थिति है, वो उनकी सैलरी कौन दे रहा है? सर आज की रेट में तो डिपार्टमेंट ही सैलरी दे रहा है। करेक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट तो सर अभी उनका एक्सपायर होना है सर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी दिसंबर में एक्सपायर होना है सर उनका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ओके, तो आप जब अभी सैलरी दे रहे हो तो अभी 5-7 दिन 10 दिन रुक जाओ आप, वो आ ही रहा है पॉलिसी, मैंने बताया कि इसमें पॉलिसी आ रही है लीव वगैरह सारे। ठीक है सर, दे रहा है। सर अनदर पॉइंट इज, हमारे यहाँ सर कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो वर्क ऑर्डर पे है सर, मतलब दे आर बीइंग चार्ज्ड अगेंस्ट अ वर्क, तो आर दे आल्सो टू बी माइग्रेटेड टू एचकेआरएनएल? वर्क कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। सर लाइक पीडब्ल्यूडी है सर, बिल्डिंग का वर्क है तो एम्प्लॉइज तो 10-12 साल पुराने लगे हैं, नया कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है तो हम बोल देते हैं कि अब आप इस एम्प्लॉय की सैलरी आप दे दो, एम्प्लॉय वही कंटिन्यू कर रहा है बट दे आर नॉट बीइंग पेड थ्रू द डीडीओ, दे आर पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड आल्सो अगेंस्ट अ वर्क। उसका सर मतलब 66 हेड या 33 जो प्रोफेशनल सर्विसेज है उसमें से ड्रॉ नहीं हो रही है सैलरी। वो आपका वो है सर्विस 69 है, सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, यस सर, सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट इससे एग्जेम्प्ट है एचकेआर से। अगर आपका प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बाहर है। जी जी ओके सर, ओके ठीक है सर, यही दो पॉइंट है सर। लास्ट वन और टू क्वेश्चंस इफ एनी हैव। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। मैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर से हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे पास 4 घंटे में 38 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका क्या नहीं करना है? काम कर रहे हैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का पोर्टिंग नहीं होना है एचकेआरएन को, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का पोर्टिंग नहीं होना है एचकेआरएन को। तो सर उसका फिर ऑप्शन क्या है जी डिपार्टमेंट में रखने का? तो सर उसका फिर अभी कैसे रखे ठेकेदार के थ्रू थे सर वो? आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लीजिए, वो तो आप जो मैंने बता दिया एचकेआरएन नहीं है तो क्लेरिफिकेशन भी जारी किया हमने 20 तारीख हाँ, आपका एक आशिमा की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया सेक्रेटरी एचआर की तरफ से कि पार्ट टाइम नहीं रखने एचकेआरएन से, तो बाकी अब कैसे रखने हैं वो तो आप अपना डिपार्टमेंट में पूछिएगा ना। ठीक है सर, ठीक है सर, दैट्स इट। सर एक और क्वेश्चन है सर, अभी सर जो हार्ट्रॉन से लोग लगे हैं सर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, दोज हु आर रिक्रूटेड बाय हार्ट्रॉन, जिसमें हार्ट्रॉन ये कह रहा है कि जो हमारे थ्रू टूरिस्ट लगे हुए हैं, जिसमें हार्ट्रॉन ये कह रहा है कि जो हमारे थ्रू टूरिस्ट लगे हुए हैं। नहीं आप जो है ना, जो भी रजिस्ट्रार पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से बोल रहे हो, आपने दो सिस्टम मांगा, जो भी रजिस्ट्रार पीडब्ल्यूडी के ऑफिस से बोल रहे हो आपने दो सिस्टम मांगा। दो बार आवाज आ रही है आपकी, दो बार आवाज आ रही है।
यस गो अहेड हेलो हाँ जी हेलो सर मैं बोली नोडल ऑपरेशन से ना बाकी लोग म्यूट हो जाओ एक बार ये बाकी म्यूट हो जाए प्लीज बताइए प्लीज गो अहेड हेलो मैनेजर P&A जी जी हाँ जी चीफ मैनेजर P&A आप म्यूट हो म्यूट कर रखा है इसको अनम्यूट कर दो चीफ मैनेजर सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक हाँ जी सर रिसेंटली सर हार्ट्रोन हैज इश्यूड सम क्लेरिफिकेशंस रिगार्डिंग SETC they have mentioned that the employees who have been recruited by Hartron are not required to pass the SETC test तो सर वो जो डेटेंट्री ऑपरेटर्स हैं जो हार्ट्रॉन के थ्रू हमने रिक्रूट किए थे तो हार्ट्रॉन ने एक लेटर इशू किया सर उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको रिलैक्सेशन इशू कर दें नहीं हार्ट्रॉन अपने डिप्लॉयमेंट के लिए किया है अब हार्ट्रॉन डिप्लॉय नहीं कर रहा हार्ट्रॉन के डिप्लॉयमेंट के कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन उनके अपने थे और निगम के जो डिप्लॉयमेंट है वो निगम रेट्स या निगम के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर हो रहा है तो इसलिए वो हार्ट्रॉन वाली नोटिफिकेशन से हमसे उसका कोई रिलेशन नहीं है सर ये एक्चुअली उन्होंने लेटर जो है ये लिखा स्किल डेवलपमेंट को है सर और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको रेफर करके लिखा उन्होंने आप ने मेरी पहली बात तो नोटिस में नहीं है ऐसा कोई लेटर कुछ उन्होंने लिखा है यू कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट ऑन द ट्रेनिंग सर यू नो गुड आफ्टरनून सर सर इन केस यू परमिट आई एम निर्मल फ्रॉम हार्ट्रॉन हां जी निर्मल बताएं सर मैं ये सबमिट करना चाह रहा था जो एक ये पॉइंट आ रहा है हार्ट्रॉन का कि हार्ट्रॉन के थ्रू जो प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर ये सब लगे हुए हैं सर इसमें दो पॉइंट्स हैं सर एक तो जो करंट सैलरी का वो एड्रेस हो ही गया है कि जो करंट सैलरी है वो भरेंगे तो वो प्रोटेक्शन में आ जाएगी सर और दूसरा सर पॉइंट जो करंट सैलरी हुई करंट सैलरी तो वो प्रोटेक्शन सर दूसरा सर दूसरा पॉइंट ये आ रहा था कि SETC टेस्ट वाला है सर जो आपकी डायरेक्शन हुई है SETC टेस्ट वो कंडक्ट तो करना हमने शुरू कर ही दिया सर लेकिन इसमें एक पॉइंट भी है सर जो हार्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर्स लगे हुए हैं वो ऑलरेडी 2-tier टेस्ट देके लगते हैं सर एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है एक टाइपिंग टेस्ट होता है सर तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहले ये मुद्दा उठा था तो जो ऑलरेडी टेस्ट देके लगे हैं बच्चे उनके लिए SETC लागू नहीं होगा और इनफैक्ट सर जो आपने जॉब रोल निकाले हैं उसमें भी लिखा हुआ है कि या तो वो एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो उसके पास और SETC शुड बी पास्ड तो ये एक पॉइंट है सर जो मेरे ख्याल में हमें एड्रेस कर लें तो काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर ठीक है वी हैव टू सी दैट व्हाट लेटर व्हाट रेफरेंस इज देयर हां जी सर वो रेफरेंस हम आपको भी सबमिट कर देंगे और जो टेस्ट का फॉर्मेट है हमारा वो भी सबमिट कर देंगे सर ठीक है एक्चुअली हम सर हमें लिंक बाद में मिला हम लेट ज्वाइन कर पाए वैसे तो वीडियो पे देख रहे थे हम सारे क्वेश्चंस एक दो पॉइंट सर हमारे भी थे कि परमिट करें तो हम पूछ सकते हैं सर जी सर एक तो ये जो ट्रांजिशन टाइम है सर जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो फिनिश हो गया 30 तारीख को उसके बाद हमने पोर्टिंग शुरू कर दी सर यहाँ पे अब जो कैंडिडेट्स एक सर ने भी मुद्दा उठाया था कैंडिडेट्स कई बार लेट कर रहे हैं लेट हो जाते हैं OTP देने में और ज्वाइन करने में सर तो जो गैप पीरियड की सैलरी का इश्यू एक आएगा वो भी एक थोड़े से मुद्दा आ रहा है सर कहीं डिपार्टमेंट में हमें भी आ रहा है जब क्रिएट होगी तभी डालेंगे जी वो ठीक है हमने इनको सी अगर क्वेश्चन इज कि क्या
एक तो होता है टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल इश्यू है कि ऑफर लेटर लेट चला गया, आपने एक अप्रेजल मांगा हुआ है और बंदा वहां काम कर रहा है जी सर, तो ऑब्वियसली जब बंदा वहां काम कर रहा है आपके यहाँ अटेंडेंस उसकी लगेगी जी, जी. तो हमने उसके लिए इसमें ऑप्शन ही दे दिया था कि एक अप्रैल से ज्वाइनिंग उसको खोल दिया था, हमने उससे पहले का नहीं दिया. ये इस तरह के बनाए थे कि अगर कोई 12 अप्रैल को भी डाल रहा है तो उसको हम एक अप्रैल से ज्वाइनिंग उसकी दिखाएंगे, बशर्ते वो वहाँ काम कर रहा हो. अगर कोई 12 अप्रैल से मांग ही रहा है तो 12 अप्रैल से बंदा चाहिए, तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि 12 अप्रैल उससे पहले वहाँ काम नहीं कर रहा था या किसी और ठेकेदार के थ्रू काम कर रहा है. बिल्कुल. तो अगर वो काम कर रहा है लगातार तो हम उसको प्रायर अपॉइंटमेंट वाला ऑफर देंगे. जी सर, ठीक है जी सर. अच्छा, एक पॉइंट सर ये है कि जैसे जॉब रोल्स क्रिएशन वाली बात है, जो आईटी पॉलिसी के थ्रू हार्ट्रॉन ने लगाए हैं उसमें जो जॉब रोल्स हैं सर 30,000 से नीचे उसमें शिफ्ट होंगे सर, उसमें चार डेजिग्नेशन ऐसी हैं जिसके चार पांच सर, जिसके लिए हमें ना डेजिग्नेशन थी नहीं, तो वी आर क्रिएटिंग फॉर दैट सर. हमने उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दिया, जैसे जूनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, नेटवर्किंग असिस्टेंट, जैसे इस तरह से चार पांच जो है. तो इसमें एक ही सबमिशन थी कि थोड़ी जल्दी हो तो बाकी सारे डिपार्टमेंट भी मांगेंगे सर ये, क्योंकि ये कॉमनली लगे हैं सर. जैसे जूनियर प्रोग्रामर लगे हैं तो हार्ट्रॉन आईटी पॉलिसी के थ्रू हार्ट्रॉन ने लगभग सभी डिपार्टमेंट में भेजे होंगे सर, कोई जेपी गया, कोई प्रोग्रामर गया, तो वो रिक्वेस्ट जी वो कर रहे हैं, वो उसमें टाइम थोड़ा लग रहा है. राइट सर, क्योंकि उन उन बच्चों का उसके बाद ही हो पाएगा सर जब जॉब रोल क्रिएट हो जाएगा सर. करेक्ट जी सर, हो जाएगा जी सर. सर जूनियर प्रोग्रामर के बारे में ही पूछना था, जैसे हमने पोस्ट क्रिएट करने के लिए बारे में पूछना था, जैसे हमने पोस्ट क्रिएट करने के लिए सर उसकी इंक्रीमेंट भी ड्यू है, तो सर उसकी इंक्रीमेंट भी ड्यू है तो उसकी सैलरी के बारे में सर कैसे करना है, उसकी सैलरी के बारे में सर कैसे करना है. आपकी एक तो आवाज क्लियर नहीं, जो मैं समझ पाया हूँ वो आपका भी रिपीट क्वेश्चन है आपने पूछा, जो मैं समझ पाया हूँ वो आपका भी रिपीट क्वेश्चन है आपने. जब हम उसको प्रायर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल ऑनवर्ड जो है आप अटेंडेंस लगाओगे उसकी सैलरी उस हिसाब से बनेगी. अभी वो पोर्ट नहीं हो पाया सर, क्योंकि पोस्ट क्रिएट नहीं ना हुई अभी तक पोर्टल पे. तो अभी आपका चल रहा है जैसे वैसे चलाइए, पोस्ट नहीं क्रिएट हो रहा था. सैलरी उसके क्योंकि उसका हार्ट्रॉन से कॉन्ट्रैक्ट भी वो मैच्योर हो गया, खत्म हो गया. तो आप कब खत्म हुआ? 31 मार्च. हाँ जी, 31 मार्च को खत्म हो गया. तो हम उसको इस तरह के जो स्पेसिफिक केसेस हैं उनको हम बैक डेट से प्रायर अपॉइंटमेंट देंगे, मैंने पहले ही बताया आपने सुना नहीं. ठीक है, उसको 1 अप्रैल से कंसीडर कर लिया जाएगा. हाँ जी, ठीक जी, ठीक है, राइट. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन और शुड बी क्लोज? हेलो 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 सर, क्या नहीं आप क्वेश्चन सर? हाँ बताइए, ज्यादा लोग एक साथ में. सर मैं संदीप दीक्षित हूँ सर, एसएसबीपी से. हाँ बताइए सर, हमने ना रिक्वेस्ट डाल दी थी सर पटवारी की, क्लर्क की, अकाउंट असिस्टेंट की. अपने आप को अनम्यूट कर रही है पहले सर. अभी ऑनलाइन उसके मीटिंग में बैठा हूँ वीसी में. सर मैं संदीप दीक्षित हूँ सर, एचएसबीपी हरियाणा पंचकुला से. सर हमने ना एसकेआरएन में सर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क की और सर और क्या कहते सर पटवारी क्लर्क की ना हमने रिक्वेस्ट डाली थी फैब में सर. सर अभी तक वो पोस्टें क्रिएट नहीं हुई है जिसकी वजह से हम उनका डाटा डाल नहीं पा रहे हैं पोर्टल पे. ठीक है, वो क्रिएट हो रही है, ज्यादा हो गई है, बताया ना 600 हो गई है. रिपीट रिपीट करके डाल रखा है आप लोगों ने, तो ऑब्वियसली सॉर्टिंग और क्लीनिंग डेटा में टाइम लग रहा है. ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर.
That's it. सर पटवारी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए अपना। मेरे पास जो है यूट्यूब जो चैनल ऑनलाइन किया हुआ है उसमें तमाम सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैलरी प्रोटेक्शन पे भी आए हुए हैं, जिसमें प्राइमरली जो समझ में आ रहा है कि ये इशू आ रहा है कि जीएसटी कौन देगा या जो भी टैक्स वगैरह होते हैं जो वो कौन देगा। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट में काम कर रखा है, तो हमने एग्जैक्टली वही फॉर्मेट लिया हुआ है कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इनवाइस जनरेशन का स्ट्रक्चर है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर है कंपेयर टू द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर रेज करता है कि सैलरी का, पहले उसकी बेसिक सैलरी होती है, अटेंडेंस होता है, फिर नंबर ऑफ डेज इतना प्रेजेंट रहता है, फिर उसके बाद उसका ईपीएफ ईएसआई होता है, फिर उसके बाद जो है एलडब्ल्यूएफ जो लेबर वेलफेयर फंड है, इस तरह के तमाम कंपोनेंट्स जोड़ने के बाद उसके फिर 18% जीएसटी लगता है, फिर जीएसटी के बाद वो, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हम लोग की आपके सभी डिपार्टमेंट से इनवॉइस बन के जाएगा और इनवॉइस बन के जाएगा उसी अनुसार उसकी पेमेंट आप लोग हमें करेंगे और वो पेमेंट जो है फर्दर अलग अलग जिस हेड्स में हम आपसे मांग रहे हैं उस हेड्स में कंसर्न ईपीएफ ईएसआई नंबर जो भी यूएएन नंबर होगा वहाँ पे जमा होते जाएगा, उसमें सर्विस चार्ज भी है। ठीक है, तो आई थिंक वो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, एक बार आप लोग इनवॉइस देखने लोगे तो आपको सबको समझ में भी आ जाएगा। अभी तो भी देखा नहीं है शायद, इसलिए ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी समय हो गया, तमाम सारे क्वेरीज आई थिंक वी हैव ट्राई टू रिजॉल्व, और अगर फिर भी किसी की क्वेरीज रहेंगी तो वो अपना हमारे ग्रीवेंस पोर्टल पर भी डालें और तो हम लोग उसको धीरे धीरे रिजॉल्व